तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC में आप लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। तो इसके लिए सिंपल है, को अपना ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद सिंपली आपको ब्राउज़र में टाइप करना है IRCTC। तो IRCTC टाइप करके देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे का साइट आ गया, इसको आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे www.irctc.co.in, IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम में इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ कोविड का गाइडलाइंस दिखाएगा, अलर्ट दिखाएगा, इसको ओके क्लिक करना है। छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए सबसे टॉप में हमें दिखा रहा है लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन तो रजिस्टर करने के बाद करेंगे, तो हम अभी पहले अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर करते हैं। सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट योर अकाउंट, बेसिक डिटेल्स कुछ फिल करने हैं, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह फिल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ वो मांग रहे हैं कि प्लीज़ यूज़ ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों को वैलिड मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी लेना है, मतलब ईमेल आईडी लेना है। तो यूज़र नेम डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो कि सिंपल यूज़र नेम से वो टेकन होते हैं। देखिए जैसे कि मैं डालता हूँ सिंपल यूज़र नेम रिक्वायर्ड, तो मैं सिंपली देखिए सुमित एक कॉमन नाम है, मैं डालता हूँ तो सुमित नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सुमित 88 करता हूँ, फिर पासवर्ड डालना तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, सुमित हाइफ़न, नहीं हाइफ़न तो नहीं लेगा सुमित। देखिए मेरे दोनों पासवर्ड सेम हो गए, इंग्लिश डाल दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर पे पेट नेम डाल दिया मैंने, मैक्स। आपको हमेशा ये सब सिंपल रखना है ताकि आप जब भी ज़रूरत पड़े तो निकाल सकते हो। पासवर्ड का डेमो मैं आपको दे देता हूँ, मनोज, देखिए M कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये डाल दिया मैंने। ऐसे कुछ पासवर्ड डालना है आपको जो कि आपके लिए इजीली रिमेम्बरेबल हो। फिर नेक्स्ट देखिए फर्स्ट नेम पूछेगा आपको, आप अपना फर्स्ट नेम डालिए, इधर डालिए। फिर मिडिल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं। आप अगर यहाँ पे ऑक्यूपेशन मांग रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट, मैं सिंपली स्टूडेंट चूज़ करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए आईडी बनाने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपना 296 चूज़ कर लेता हूँ। 96 जनवरी, 4 जनवरी 1996, मैरिड हो अनमैरिड हो वो डालना है। हो गया, मैंने अनमेरिड डाल दिया। सिटीज़न आप कहाँ के हो, इंडिया के हो कि बाहर के हो डालना है वो। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आपका जेंडर डालना है, मैं मेल डाल देता हूँ। ईमेल मैं अपना डाल देता हूँ, ईमेल। आपकी नेशनलिटी कहाँ की है वो आपको डालना है, नेशनलिटी मेरा इंडिया है। तो जो बाहर के लोग आते हैं वो अपना डाल सकते हैं, सिंपली आपको इंडिया सर्च कर लेना है और इंडिया डाल देना है। इंडियन NRI के लिए वो अलग से कॉलम रखा हुआ है, इंडिया के लिए अलग है। तो आपने नंबर डाल दिया, सारे डिटेल्स हो गए। अभी डालना है हमें एड्रेस, तो आप एड्रेस कोई भी डाल सकते हो, अपना घर का एड्रेस। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो दोबारा डालना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैंने नो किया तो फिर मुझे दोबारा डालने के लिए आ रहा है, तो मैंने यस कर दिया अभी। देखिए ये आपको IRCTC क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो आपको इसको टिक करना है, नहीं चाहते हो तो आपको इसको अनटिक करना है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट सिलेक्ट करना है। आप कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे कि मुझे मांग रहा है मोटरसाइकिल किन किन से ईमेल में है डालो, डाल दिया रजिस्टर।